Well, good afternoon to all of you. I'll request all friends to put their mobiles in a silent mode or switch them off, whatever is convenient. आज वित्त मंत्री ने 2017-18 का बजट प्रस्तुत किया है, पर बजट संसद में प्रस्तुत करने से पहले कई प्रश्न चिन्ह उस पर लग चुके थे। पहले तो बजट की सैंक्टिटी और पवित्रता भंग हो गई थी 31 दिसंबर को ही, जब भारत के प्रधानमंत्री ने मुख्य घोषणाएं स्वयं कर दी थी। बेहतर ये होता कि प्रधानमंत्री बेसब्री दिखाने की जगह कुछ सब्र करते और संसद की मर्यादाओं को सम्मान करते हुए वित्त मंत्री के बजट प्रस्तुति का इंतजार करते, जो उन्होंने नहीं किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने मुख्यतः वही बातें और आश्वासन दोहराए हैं जो श्री नरेंद्र मोदी पहले देश को सुना चुके थे राष्ट्र के नाम अपने संदेश में। जहां तक बजट का प्रश्न है, ये सही है कि ये पहली बार जो उन्होंने कहा कि रेल बजट और जनरल बजट एक साथ आया, पर यह भी पहली बार हुआ कि बजट एक महीना पहले लाया गया, जिसमें हमको आपत्ति रही थी, आपत्ति है, क्योंकि 20% मतदाता भारत के मत डालने वाले हैं, 5 राज्यों का चुनाव है। कोई भी सरकार का दावा हो, कोई भी सरकार की नई घोषणा हो, उससे मतदाता प्रभावित होते हैं। पर खैर, क्योंकि बजट प्रस्तुत कर दिया गया है, उस पर हम अपनी टिप्पणी करना आवश्यक समझते हैं। पहला, ये निराशाजनक बजट है, दिशाहीन है। इसका कोई रोड मैप नहीं है कि विकास कैसे होगा और रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न किए जाएंगे। जो पिछले कल इकोनॉमिक सर्वे में और आज बजट में सरकार की तरफ से दावे किए गए हैं, वो गुमराह करने वाले हैं, गलत हैं। तथ्य उनको नकारते हैं, जमीनी हकीकत उनको नकारती है, इसलिए सरकार की जवाबदेही बनती है। बिकॉज दिस बजट एज सच which was preponed for narrow electoral gains and to influence the voters, thereby undermining the fairness of the forthcoming elections in the 5 states, has deeply disappointed whether it's the investor, the farmers, the youth. It is lacking in direction and it has no proposals for accelerating manufacturing or job creation. Sarkar ne jo aankde diye hain vikas ke, growth ke, wo sandehjanak hain, kyunki jo सालाना प्रोजेक्शंस हैं और एस्टीमेट्स हैं, वो दोनों गलत हैं। उसका मैं कारण आपको बताता हूं कि पहले जो बजट होता था, उसमें भी कठिनाई आती बजट को तैयार करने में। केवल 7 महीने के या 8 महीने का डेटा उपलब्ध होता था बजट बनाने के समय, चाहे सीएसओ के पास, चाहे वित्त मंत्रालय के पास, क्योंकि वित्त जो वर्ष है, वित्तीय वर्ष, वो 1 अप्रैल को शुरू होता है। बट दिस टाइम द प्रोजेक्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर 1 फुल ईयर एंड फॉर द बजटरी एस्टिमेट्स फॉर 1 फुल ईयर हैव बीन बेस्ड ऑन अ डेटा ऑफ 6 मंथ्स। सो इज देयरफॉर unconvincing
एंड कंप्लीटली लैक्स क्रेडिबिलिटी, क्योंकि सारे आंकड़े जो दिए गए हैं, चाहे वो जीडीपी के दिए गए हैं, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन के दिए हैं, टैक्स कलेक्शन के दिए हैं, जो जन कल्याण कार्यक्रमों पर खर्चा है, पब्लिक स्पेंडिंग है, वो जैसा मैंने कहा 6 महीने के डाटा पर ये बनाया गया बजट है। और इसमें जो 7वें महीने में हुआ डीमोनेटाइजेशन, जिसका प्रधानमंत्री और सरकार और वित्त मंत्री ने आज बजट में भी बड़ा उसकी सराहना की है, अपनी पीठ ठोकी है, वो भी उसके बावजूद मैं कहूँगा कि बजट में कोई सही उल्लेख नहीं है कि सरकार के 8 नवंबर के निर्णय का जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की उसका देश की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा है, कितना नुकसान हुआ है। जब तक वो आंकड़े सामने नहीं आते, केवल 6 महीने के 8 नवंबर से पहले के डेटा पर पूरा बजट तैयार करना, पूरे एस्टीमेट्स बनाना, पूरा अगले साल का प्रोजेक्शन देना बेईमानी का काम है। इन्होंने आंकड़ों को चमका कर पेश किया है, बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है, ताकि जो कुछ क्षेत्रों के अंदर इन्होंने कुछ एलोकेशन बढ़ाई है, वो भी हालात की मजबूरी इसको देखते हुए उसको ये सही बता पाए। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द रिसोर्सेज विच इट इज क्लेमिंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट द बैंक्स आर फ्लश विद फंड्स, द मनी फोर्सिबली टेकन अवे फ्रॉम द पीपल इन अ कंट्री विच लैक्स बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज इन ओवर 65% ऑफ द विलेजेस ऑफ द कंट्री। And I'll come to that later. Despite that, the government has failed to give any account of the effect, the job losses, the loss of wages, loss of incomes, and loss of national income, which has, right in the first 2 months, prompted the IMF, the International Monetary Fund, to reduce India's GDP. That was preliminary reduction by 1 percentage point. We have maintained, and I still maintain with full sense of responsibility, unfortunately, the government's admission of 1% fall in the GDP is wrong, because it is only taking into account less than 45 days post demonetization. The aftershocks will be severe and the fall in the GDP will be much more, which is bad for the country's economy, and the recovery will be painful and slow. Jo fundamentals hamare economy ke bahut kamzor ho, to ye daave किस बिना पर हो रहे हैं? पहले तो मांग डिमांड गिर गई, कंजम्पशन वो भी गिर गया, निवेश का दर निरंतर गिरता जा रहा है। पिछले कई दशकों में निवेश का दर इतना नीचे नहीं था जो आज की तारीख में है। जो उद्योग को, कृषि को छोड़कर जो कर्जा दिया जाता है, वो 20 साल का कम से कम कर्जा बैंकों ने दिया है। उसके साथ साथ जो नए व्यवसाय लगते हैं, जिसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, वो पिछले साल अगस्त महीने में ही पहली बार 50 के दशक के बाद नेगेटिव में चला गया। So as I've said, the fundamentals are nose diving, fall in demand, fall in consumption, a historic low
इन्वेस्टमेंट रेट, क्रेडिट ऑफ टेक फॉर इंडस्ट्री एट 20 ईयर लो, कैपिटल फॉर्मेशन इन नेगेटिव इन रियल टर्म्स, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल कैपेसिटी अप टू 1/3 और मोर देन 33%, नो जॉब क्रिएशन बट जॉब लॉसेस इन मिलियंस। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद पूरे देश के अंदर फॉर्मल क्षेत्र में और जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, उसमें करोड़ों नौकरी टूटी। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, चाहे वो सेरेमिक्स का हो, टेक्सटाइल का हो, लेदर का हो, बर्तन बनाने का हो, शीशे के कारखाने हो, चमड़े का कारखाने हो, आपका हथकरघा है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें लाखों की तादाद में नौकरियां नहीं टूटी। कई जगह फैक्ट्रीज 50% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, कई जगह 70% कम पे काम कर रही हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में जो 45% उत्पादन होता है भारत का और 40% एक्सपोर्ट भारत का इनफॉर्मल सेक्टर की में जो उत्पादन होता है उससे होता है, वो कम से कम 90% उसको आघात पहुंचा है। उसका कोई जिक्र ना कल के सर्वे में है, सांकेतिक भाषा में कहा गया है कि थोड़ा नुकसान हुआ है, थोड़ा कितना हुआ है? वो देश को क्यों नहीं बताया? ना इकोनॉमिक सर्वे ने बताया, ना वित्त मंत्री ने बताया। हम ये सोचते थे कि वित्त मंत्री ईमानदारी से आज देश को बताएंगे कि असली तस्वीर क्या है और किस तरह से वो स्थिति को सुधारने की चेष्टा करेंगे। इस सरकार ने आज जो बजट दिया है उसमें निवेश को बढ़ाने की कोई प्रस्तावना नहीं है, कोई बढ़ावा देने का पेशकश नहीं है। देयर आर नो इंसेंटिव्स, नन, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स विच एज आई मेंशन्ड अर्लियर हैव टच्ड हिस्टोरिक लो। आई एम टॉकिंग ऑफ बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इन्वेस्टिंग एट ऑल, सो देयर आर नो इंसेंटिव्स। अनलेस एंड अंटिल यू इंसेंटिवाइज, वर्ड्स आर हॉलो एंड दे आर मीनिंगलेस। उसके साथ साथ निर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग को कोई इंसेंटिव नहीं है, ना ही एक भी प्रस्तावना जॉब क्रिएशन की है, नौकरी रोजगार पैदा करने की। अगर कहीं बजट में है और कोई हमको दिखाए ये तीनों विषयों पर, तब हम उसको समझ पाए। केवल कहने से और नए शब्दों के उच्चारण से और नए घोषणाओं से भारत की तकदीर नहीं बदल सकती। और जो रास्ते से, पटड़ी से हमारा अर्थव्यवस्था हटी है, उसको वापस रास्ते पर लाने में इसमें सहयोग नहीं मिलता। प्रधानमंत्री को शौक है शब्दों का, प्रधानमंत्री बनने से पहले शौक था, जिन्होंने कभी 3 C's 5 T's आपको याद होगा कहा था। अब वो कभी स्टैंड अप इंडिया करते हैं, कभी डिजिटल इंडिया बोलते हैं, आज टेक इंडिया भी बोला वित्त मंत्री ने। ये कितने भारत हैं, टेक इंडिया भी बन गया, डिजिटल इंडिया भी बन गया, स्मार्ट इंडिया भी बन गया, स्टैंड अप इंडिया भी हो गया। द रियलिटी इज दे हैव शट डाउन द इंडियन इकोनॉमी। दिस कंट्री वॉज स्टैंडिंग अप, द इंडियंस वर स्टैंडिंग अप इवन बिफोर दैट by these high sounding words, they are not going to change the ground realities of what is happening in this country. We also have objections to the wrong statements being made and pandered to the people. Yesterday's economic survey had claimed, and based on its optimism on exports,
Now, what is India's share of exports in merchandise exports in the world? And said there is an increase. I would like to challenge the government here. And they have based, please read that carefully, only the November, December, small increase by few percentage points against a very, very low base and precipitous fall of 18 months. तो 18 महीने तक एक्सपोर्ट गिर रहा है, दो महीने नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ, तो कह दिया कि बहुत एक्सपोर्ट बढ़ गया हिंदुस्तान का, अब सब ठीक हो जाएगा अगले साल में, और साथ में बताया दुनिया के हालत बहुत अच्छे हो गए। ये दोनों बातें गलत हैं। पहले तो ब्रेक्सिट हुआ कुछ महीने पहले, जब ब्रिटेन ने ईयू को छोड़ दिया और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए। सबसे ज्यादा चोट हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को होगी, सबसे ज्यादा चोट भारत की, हिंदुस्तान की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को पहुंचेगी। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और सरकार क्या कह रही है। केवल प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति से बात पर इस सरकार को जश्न नहीं बनाना चाहिए, चिंता होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। और जब तक उनसे कोई आश्वासन नहीं लेते तो वहां अपने जाने की जल्दबाजी ना दिखाएं, पहले ये सुरक्षित करें भारत के सर्विसेज सेक्टर को, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को, उनके फ्यूचर को, उनकी नौकरियों को और भारत की एक्सपोर्ट्स को। पर क्योंकि इन्होंने दावा किया है, मैं आपको तुरंत ये आंकड़े देता हूं। 2013-14 में नवंबर दिसंबर के महीने में 50.59 बिलियन डॉलर, 50.59 बिलियन डॉलर वॉज दिस टू मंथ्स एक्सपोर्ट्स। आई एम गिविंग यू ओनली टू मंथ्स, बट आई कैन गिव यू ऑल द 12, बट दीज टू मंथ्स बिकॉज द इकोनॉमिक सर्वे गिव्स यू ओनली टू मंथ्स। नेक्स्ट ईयर एक्सपोर्ट्स वर 52.64, 15-16 दे फेल टू 42.31, सो मोर देन close to 10.5 billion dollars, which is almost 70,000 crores, was the loss in the 2 years. Now they are celebrating that we have gained. What is the number of 16-17 which they have given? Please put the two numbers together, 43 billion. To 52 billion se girne ke baad aap 42.5 se 43 ke upar chale gaye, 1.5 billion आप ऊपर गए हैं। उसका मतलब 7,500 करोड़ से भी कम है। और जो एक्सपोर्ट्स आप गिरे हैं वो 323 बिलियन डॉलर से गिरे हैं, 323 खरब डॉलर से, जो हम छोड़ के गए थे, और पिछले साल उससे गिर के 261 खरब डॉलर पर आए। 62 या 60 खरब डॉलर टूटना, 4.25 लाख करोड़ जो आज की एक्सचेंज रेट है, 4.25 और 4.5 लाख करोड़ के बीच में आपके पूरे बजट का 20% तो एक्सपोर्ट टूटने से कम हुआ है। इसलिए मैंने कहा, चेता रहे हैं कि ये जो 1.5 बिलियन का आपका इजाफा हो गया, अच्छा है सुधार हो, पर उस पे लोगों को गुमराह मत करें और उस पर आप बजट के एस्टीमेट्स को आधारित मत करें, यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। सरकार ने, जैसा मैंने कहा, ये सही है कि कुछ सोशल सेक्टर और ग्रामीण विकास के लिए कुछ एलोकेशंस बढ़ाई हैं। अधिकांश सोशल सेक्टर के जो स्कीम्स हैं वहां पर, जो अगर आप इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को फैक्टर करें, तो उसमें जो बढ़ोतरी है वो नगण्य है। पर जहां किया है वो हालात को की मजबूरी से हुआ है, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा तकलीफ है लोगों को, गरीब लोगों को, किसान को, और एक पलायन हुआ है पूरे देश से लोगों की। जो दिहाड़ी है, डेली वेजेस हैं, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों के टूटे हैं, और जो
आमदनी है हर दिन की, डेली इनकम जिसको कहते हैं, वो भी टूटी है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपनी चीज़ बेचते हैं, अपनी चीज़ बनाते हैं, उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में सरकार को बढ़ाना पड़ा। सरकार के पास पैसा था, पैसा जनता का है, इसे बताया क्यों? वित्त मंत्री ने तो नहीं बताया, पर सबको मालूम है 98% पैसा वापस बैंकों में आ चुका। ये प्रश्न है, क्यों नहीं बताया आज कि कितना पैसा वापस आ गया? क्यों नहीं बताया कि उसमें से काला धन कितना है? पैसा तो सरकार ने ले लिया। और जो आज वित्त मंत्री ने कहा कि अब हम इससे क्रेडिट देंगे उद्योग को सस्ती दरों पर, ये किसका पैसा है? आप सस्ती दर पर कर्जा दें, अच्छी बात है, पर आपने जो इंटरेस्ट देते थे, आप ब्याज देते थे गरीब आदमी को, कर्मचारी को, किसान को, मजदूर को, गृहिणी को, उनके जो बचत खाते में पैसा था उसको तो आपने कम कर दिया या नहीं किया? फिक्स डिपॉजिट पर आपने इंटरेस्ट कम कर दिया, तो आपने गरीबों का तो इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया और साथ में पैसा राशन कर दिया। बिना तैयारी के सब इंतजाम हुए, वो भी मैं आपको बताता हूं। पर उसके बाद अगर आप देखें, वल्नरेबल ग्रुप जो हैं, उनका एलोकेशन में केवल 42 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। सर्व शिक्षा अभियान, जो शिक्षा शिक्षा की बड़ी बात होती है, उसमें केवल 1000 करोड़ बढ़ा है। मिड डे मील स्कीम में केवल 300 करोड़ का इजाफा हुआ है। मेरे पास उदाहरण बहुत हैं देने के, यहाँ तक कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। इजाफा हुआ है SC ST का, ग्रामीण क्षेत्र का, वहाँ पे इसमें बढ़ोतरी है। पर इसके साथ जुड़ा एक और प्रश्न है, मनरेगा का, जो वित्त मंत्री ने बड़े हर्षोल्लास से जिक्र किया कि इतनी ज़्यादा पैसा बढ़ा दिया। पिछले साल 48,500 करोड़ से बढ़ाकर वो मनरेगा का पैसा 47,500 करोड़ कर दिया, रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट कब बनते हैं? और अब उसको 500 करोड़ और बढ़ा दिया। ये कोई दरिया दिली नहीं है, ये हालात जो पैदा हुए कि लोग, चाहे वो खेत मजदूर था, चाहे कंस्ट्रक्शन का मजदूर था, छोटे जो फैक्ट्री में काम करते थे, वो पलायन के बाद गांव में लौट गए। इसलिए मनरेगा के माध्यम से, जो हमने बनाया था मनरेगा UPA सरकार ने, इसलिए उसमें पैसा बढ़ाना पड़ा, वरना देश में हाहाकार हो गई थी। तो ये सरकार ने कोई मेहरबानी नहीं करी है, ये सरकार की तरफ से स्वीकृति है कि गांव में हालात बहुत खराब है। दिस सडन इंक्रीज इन द लास्ट क्वार्टर, आप पोस्ट रिवाइज एस्टिमेट्स इन मनरेगा एलोकेशन इज एन एडमिशन इटसेल्फ ऑफ द सफरिंग्स इन्फ्लिक्टेड ऑन द पुअर पीपल पोस्ट डीमोनेटाइजेशन, द लॉस ऑफ जॉब्स, लॉस ऑफ डेली वेजेस, लॉस ऑफ डेली इनकम्स एंड अ काइंड ऑफ एक्सोडस विच टुक प्लेस एंड द पीपल रिटर्न टू देयर विलेजेस जस्ट फॉर द सर्वाइवल। दिस एलोकेशन हैज बीन इंक्रीज्ड and I want to underscore that with absolute clarity so that there is no misgivings and people don't get misled by this government's false propaganda. I'm using the word false with full responsibility because it's false. Baki to ghoshnaye pradhan mantri ne kar di thi, vitt mantri ne dohra di, but the finance minister has done himself no good. Nor should he be given credit for literally rubber stamping and parroting what announcements were already made by the Prime Minister. Uske saath saath jo 60 din ka interest waiver ke byaj jo hai kisan ko karze pe usko maafi kar di, ye koi ehsaan kiya hai?
किसान का नुकसान कितना हुआ उस वक्त, बिजाई का समय था, खरीफ की फसल के पैसे नहीं मिले थे, बैंक से उसको पैसा नहीं मिला बीज का खाद का। हमारा प्रश्न ये है, किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ? हमारा आरोप है प्रधानमंत्री पर और इस सरकार पर कि इन्होंने किसान के हित की अनदेखी की है, भारत के गरीब किसान को चोट पहुंचाई है और एक क्रूर मजाक किया है कि आपको 60 दिन के ब्याज से हम मुक्त करते हैं। अगर सरकार सही माने में किसान की पीड़ा को समझती है तो अभी इसी बजट में तरमीम करके, इसमें थोड़ी करेक्शन लाके, संशोधन लाके किसान के कर्जा माफ करने की, जैसा 72,000 करोड़ का यूपीए 1 में हुआ था, उसकी घोषणा की जाए। बैंकों की बात हुई, पिछले साल कितना पैसा कहा था, 15,000 करोड़ लगाया था और वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि 1,00,000 करोड़ हम बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन के लिए देंगे। फिर 20,000 करोड़ की बात हुई, 15,000 करोड़ बैंकों को दिया गया, उसको घटाकर 10,000 करोड़ कर दिया, और क्या कहकर कि बैंकों के पास अब बहुत पैसा है। क्या सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन की थी बैंक्स की? 11,00,000 करोड़ वास्तविकता में है एनपीएस। एनपीएस के बारे में बजट चुप क्यों है? कौन सी प्रपोजल है इस बजट के अंदर एनपीएस जैसी ज्वलंत समस्या को सुलझाने की? कोई नहीं। इसीलिए हमने कहा खोखला, कोई दिशा नहीं, कोई दृष्टिकोण नहीं, कोई समझ नहीं है। मुझे आपसे 2 विषयों पे और मुझे कहना है। एक तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बार बार वित्त मंत्री भी कह रहे हैं, कैशलेस और डिजिटलाइजेशन, ये बहुत भ्रामक प्रचार है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई आज के बजट से कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में नहीं था, ना ही है, और ना ही कोई तैयारी थी। अब वो कहते हैं वो मशीन, कौन सी मशीन कहते हैं उसको, स्वाइप मशीन, स्वाइप मशीन नहीं, पॉस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन इंपोर्ट करेंगे, POS मशीन बनाएंगे। ये अभी आज के बजट में आया है, तो जब ये सारा कार्यक्रम इन्होंने बनाया था, PM ने कहा था बड़ी तैयारी के साथ सब इंतजाम किया गया है, तो तब ये नहीं हुआ। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में भी नहीं है, और इतनी बात नहीं है, आज के बजट में भी कोई घोषणा नहीं है कि डिजिटलाइजेशन के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगी। देयर इज नो एलोकेशन ऑफ एनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन दिस सो कॉल्ड डिजिटलाइजेशन। लेट्स मेक नो मिस्टेक हियर। प्रधानमंत्री से सीधा प्रश्न है और वित्त मंत्री से, किस भारत को कैशलेस बनाएंगे? 130 करोड़ का देश है, यहाँ नकदी लेन देन, कैश ट्रांजेक्शन्स 94% है, वो काला धन नहीं है। चीन के अंदर 90% है, जापान के अंदर 87% है, जर्मनी में लगभग 80% है कैश ट्रांजेक्शन्स, फ्रांस में, यूके में 70% के नज़दीक है, 56% कैश ट्रांजेक्शन्स अमेरिका के अंदर हैं। दुनिया में एक भी देश नहीं है, कोई छोटा मोटा कोई टापू अगर हो, मुझे पता नहीं 200-500 लोग का, पर 130 करोड़ के देश को ये सपना दिखाना कि हम तुमको कैशलेस कर देंगे, और फिर वित्त मंत्री के उसमें आना, IT मंत्री भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, देश में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, देश में कितने लोगों के पास वो फोन होंगे जो अब ये कहते हैं कि वो आप पंच करोगे आपका बायोमेट्रिक उसमें ऐप आ जाएगा, कितने लोगों के पास वो फोन होंगे, कितने छोटे दुकानदार के पास, कितने गांव में दुकानदार के पास, कि जिसमें बायोमेट्रिक फैसिलिटी होगी। ये बेवकूफ बनाने की बात है हिंदुस्तान के लोगों को, ये गैर जिम्मेवाराना बात है, मजाक नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को। हकीकत ये है
कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की 1,32,000 शाखाएं हैं देश के अंदर, एटीएम्स हैं 2,12,000, 65% गांवों में कोई बैंक नहीं है। कितने गांव हैं भारत में? 6.5 लाख। और जो 1,32,000 पीएसबी की बैंक्स की ब्रांचेस का मैंने जिक्र किया, आउट ऑफ दैट 73% आर इन अर्बन एरियाज और इन सेमी अर्बन एरियाज। सो कैलकुलेट 27% ऑफ 1,32,000, दैट इज ऑल व्हाट द 6.5 लाख विलेजेस हैव। आरबीआई का आप जरा रिपोर्ट पढ़ें लेटेस्ट, 43% भारतीयों का कोई बैंक अकाउंट आज भी नहीं है, वो संख्या बनी 55 करोड़। जनधन योजना के जो उन्होंने 26 करोड़ का जिक्र किया, उसमें से 84% से ज्यादा में 5,000 रुपया भी नहीं मिलेगा, 60% में 1,000 रुपया भी नहीं मिलेगा, कोई उनको ऑपरेट नहीं करता। तो जिस भारत के अंदर 82-83 करोड़ लोग ना खाता है, ना पता है खाते का, अगर किसी का खुलवा दिया, ना खाते को में वो रुपया डालते हैं ना निकालते हैं, उन लोगों को कौन क्रेडिट कार्ड देगा? मेरा प्रश्न है वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से, उन लोगों को कौन डेबिट कार्ड देगा? गांव में लोग जो पैसा अपने पास रखते थे, क्योंकि जमा करने के लिए बैंक नहीं है, और इसलिए वो 500,000 के नोट में करते थे आस्ता आस्ता जमा करके, उसके लिए क्या सरकार ने आज भी क्षमा नहीं मांगी? आज भी ये प्रस्तावना कोई नहीं कि उनकी भरपाई कैसे होगी? गांव में ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से लोग अपना गुजारा करते थे। अभी ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, उसमें ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को बाहर कर दिया गया, ना तो वो पुराना नोट बदल सके, ना उनको नया नोट दिया गया, और वो 2,000 का नोट, ये जो कहते हैं कि 9,00,000 करोड़ रुपया वापिस आ गया है रीमोनेटाइजेशन में, वित्त मंत्री को मेरा प्रश्न है, ये बताएं कि इस 9,00,000 करोड़ में 2,000 का नोट कितना है? जब तक आपने 500 रुपये और 100 रुपये का, 50 रुपये का, 20 रुपये का नोट नहीं छापा, तो 2,000 के नोट को लेके गांव में आदमी कहाँ जाएगा? कस्बों में कहाँ जाएगा? कौन सा दुकानदार आपको छूट देगा? आपने रीमोनेटाइजेशन भी गलत करी, डीमोनेटाइजेशन भी गलत करी, और हिम्मत नहीं है कि बजट में बताओ इतना वापिस आया, इतना ब्लैक मनी था और इतना इसमें 2,000 का नोट है। एक चीज और कहना मैं आवश्यक समझता हूं, भारत के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस विश्व में सबसे ऊपर है, हाईएस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया एंड हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड। So one is finance minister was lamenting about the direct taxation. I want to ask him about the indirect taxation, where again he is celebrating that there is an increase. पैसा बढ़ गया, सही माने में बढ़ गया। मैंने इसको देखा गौर से कि कहां से बढ़ा। साथियों, 2014 मई में जो हिंदुस्तान में आयात करके, इंपोर्ट करके क्रूड लाया जाता था, पेट्रोल डीजल जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत 109 और 114 डॉलर के बीच में थी एक बैरल की। पिछले साल औसतन ये कीमत 41 डॉलर रही, अभी हाल में 50 के ऊपर गया। तब दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए का था, आज भी उतने का ही है लगभग। डीजल तब भी उतने का था, आज भी उतने का ही है। आधे से कम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत हो, पर हुआ क्या, जो कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, पेट्रोल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरती गई और सरकार अपना कस्टम एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, सेस, सरचार्ज बढ़ाती गई। कुल सेंट्रल एक्साइज जो सरकार ने इकट्ठा किया वो 91,491 करोड़ है, जिसमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, केवल मैं एक्साइज की बात करता हूं, वो 60,796 करोड़ है।
तो सरकार के पास पैसा किसका है? बैंक में पैसा आपका है और ये भी आपसे ही ले रहे हैं, आम उपभोक्ता से ले रहे हैं। और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी है उसमें सरकार की बहुत बड़ी बचत हुई है, 29% सब्सिडी सरकार ने कम कर दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। उधर से सेंट्रल ये कस्टम्स एड वैलोरम ड्यूटीज एक्साइज बढ़ती जा रही है, आपका पैसा छीन के अपने पास कर रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़ गई। और आपको जो सब्सिडी देते थे वो घटा दी, 54,000 करोड़, 54,000 करोड़ हैज बीन द सेविंग। सो दिस गवर्नमेंट इज डिसऑनेस्ट, दिस गवर्नमेंट इज अनट्रुथफुल, दिस गवर्नमेंट इज इनसेंसिटिव टू द सफरिंग्स ऑफ द पीपल, एंड द बजट एज सच हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग डायरेक्शनलेस बजट विच एक्चुअली विल नॉट स्पर ग्रोथ बट विल सफोकेट ग्रोथ एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन ग्रेट डिटेल। एंड द कमिंग डेज विल टेल द ट्रू स्टोरी दैट हाउ फॉल्स एंड एग्जेजरेटेड द क्लेम्स ऑफ दिस गवर्नमेंट आर।